बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नानमन जरा है। तो आज हम लोग एक और पॉडकास्ट, एक और वीडियो लेकर आ चुके हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि फाइल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, फोल्डर्स बनाते कैसे हैं और हम कट कैसे कर सकते हैं, पेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो फिर इंतजार किस बात का, चल इसकी तरफ चलते हैं। तो अब मैं हाजरा अभी को कहता हूँ कि वो आप स्टार्ट करें। I hope all of you are doing well. Welcome to another session of computer basic learning. So, आज day 3 की क्लास में हम कंप्यूटर में different task perform करना सीखेंगे। पहली दो क्लासेस में हमने absolute जो beginner level की चीजें होती हैं हमने वो सीखी। Then we are moving forward to some kind of advanced concepts. तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज और ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जिससे आप अपने कंप्यूटर को एक ऑर्गेनाइज वे में मैनेज करते हैं और आपको पता चलता है कि कौन सी फाइल या कौन सा फोल्डर कहाँ पे प्लेस है। तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में अगर आप अपने कंप्यूटर को लेके चलते हैं और चीज़ों को रखते हैं तो आपके लिए चीज़ों को एक्सेस करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो वीडियो में डिफरेंट टास्क परफॉर्म जो हम आज करना सीखेंगे, लेट मी आउटलाइन देम वन बाय वन। हाउ टू ओपन फाइल एंड फोल्डर्स, द सेकंड वन इज हाउ टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। ऑल्दो हमने पिछली वीडियोस में फोल्डर को क्रिएट करना सीखा था, लेकिन वो ये था कि वो हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे किस तरह से फोल्डर को क्रिएट करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम इस तरह सीखेंगे कि एक ऑलरेडी फोल्डर के अंदर मौजूद फोल्डर में नया फोल्डर हम कैसे बनाते हैं। देन थर्ड वन इज हाउ टू मूव फाइल्स एंड फोल्डर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हाउ टू डिलीट फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड हाउ टू रीनेम फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड द लास्ट वन इज हाउ टू सर्च फॉर एनी फाइल एंड फोल्डर। तो कंप्यूटर में फाइल्स को मैनेज और ऑर्गेनाइज करने के लिए हम फाइल एक्सप्लोरर का यूज करते हैं। तो फाइल एक्सप्लोरर को आप डिफरेंट तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं। लाइक अगर आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिस पीसी का आइकन नज़र आ रहा है या माई कंप्यूटर का आइकन नज़र आ रहा है तो आप इसको ओपन करेंगे, देन ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो चुका है। द सेकंड मेथड इज़ टू ओपन द फाइल एक्सप्लोरर इज़ कि अगर आप अपने फाइल एक्सप्लोरर को टास्क बार के अंदर पिन अप कर लें तो आप यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। लाइक अगर मैं जैसे ही मैंने दिस पीसी से फाइल एक्सप्लोरर को ओपन किया था तो वो यहाँ मेरे क्विक लॉन्च एरिया में एक्टिव प्रोग्राम में शो होना स्टार्ट हो गया था। यहाँ से भी हम फाइल एक्सप्लोरर को एक्सेस कर सकते हैं। जो थर्ड वन मेथड है वो ये है कि आप सर्च मेन्यू का यूज़ करते हुए या सर्च बार का यूज़ करते हुए यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर टाइप करें तो यहाँ पर आपको फाइल एक्सप्लोरर सर्च करके दे देगा एंड देन यू हैव टू क्लिक टू ओपन। तो जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे देन आपको फाइल एक्सप्लोरर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिफरेंट मेथड्स थे कि आप फाइल एक्सप्लोरर को किस तरह से ओपन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा कन्वीनियंट है, तो आप इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। देन अगर हम फाइल एक्सप्लोरर को मज़ीद एक्सप्लेन करें इस विंडो को जो ऑलरेडी हमारे पास ओपन हो के आ चुकी है, तो इसकी सबसे जो ऊपर आपको शो हो रही है बार, इसमें यहाँ पे अगर मैं इस एरर को क्लिक करूँ तो इसको बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो इस कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार को आप यूज़ करके जो है वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक आपने अगर कोई एक्शन परफॉर्म किया है तो आप उसको अनडू कर सकते हैं एंड देन रीडू कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं और इस तरह से डिफरेंट जो भी टास्क हैं जो भी या मेंशन है आप परफॉर्म कर सकते हैं। देन हमारे पास ये जो एरिया है इसको हम रिबन बोलते हैं एंड इसमें हमारे पास डिफरेंट टैब्स शो हो रहे हैं, होम टैब, शेयर एंड व्यू। तो इन टैब्स को यूज़ करके हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन है, लाइक कॉपी, पेस्ट, कट एंड डिलीट, रीनेम एंड ऑल। ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइम पे कौन सा फीचर जो है वो यूज़ करने की ज़रूरत है, तो मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूँगी, देन आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इस रिबन को आप जो है इस एरो को यूज़ करते हुए आप इस रिबन को बंद भी कर सकते हैं, लाइक मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर मैं इस एरो को क्लिक करूँ तो ये रिबन क्लोज हो जाएगा एंड देन अगर इसी एरो को क्लिक करें तो
पे ये रिबन ओपन हो जाएगा और इसके लिए आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं अपने कीबोर्ड पे, लाइक कंट्रोल प्लस F1 को आप प्रेस करेंगे तो उससे ये रिबन को आप ओपन एंड क्लोज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे डिफरेंट बटन्स हैं, ये राइट मोस्ट साइड पे रिबन के नीचे हमारे पास डिफरेंट बटन्स शो हो रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं किसी फोल्डर को ओपन करूँ लाइक लेट मी ओपन डॉक्यूमेंट्स, तो जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट्स को ओपन किया तो मेरा ये जो बैक एरो है ये भी अब इनेबल्ड हो चुका है। पहले ये डिसेबल क्यों था, क्योंकि मैं यहाँ पे मेन क्विक एक्सेस एरिया के अंदर थी, जो भी मैंने ऑलरेडी फाइल्स ओपन की हुई हैं वो मुझे वो रिसेंट फाइल्स दिखा रहा था, तो वहाँ से मतलब किसी बैकअप फोल्डर में वो बैक फोल्डर को वो नहीं शो कर रहा था। लेकिन जैसे ही आप कोई फोल्डर ओपन करते हैं और देन आगे आप फॉरवर्ड मूव करते जाते हैं फोल्डर हायरार्की में, तो वो यहाँ से इस बटन को इनेबल कर देता है। लाइक अब यहाँ पे फॉरवर्ड बटन ओपन है कि मैंने जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स ओपन किया था वहाँ पे वो मुझे मूव कर देगा। तो इसी तरह अगर मैं बैक एरो का यूज़ करती हूँ तो वो मुझे वन स्टेप पीछे मूव करेगा फोल्डर हायरार्की में। लाइक पहले दिस पीसी है, दिस पीसी के अंदर मेरा डॉक्यूमेंट फोल्डर है, तो अगर मैं बैक एरो को क्लिक करूँगी तो वो मुझे दिस पीसी में मूव कर देगा। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट को ओपन करती हूँ, देन अगर हम फोल्डर हायरार्की में मज़ीद डीप डाउन मूव करें, लाइक मैं एक और फोल्डर ओपन कर लेती हूँ जूम, एंड मेरे पास जूम जो है वो फोल्डर एम्प्टी है, तो यहाँ पे एक तो मेरे पास पीछे जाने का ऑप्शन है लाइक डॉक्यूमेंट में जूम से डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट से बैक दिस पीसी में, और दूसरा ये अप एरो है, तो अप एरो से भी मैं एक स्टेप अप जो है वो फोल्डर हायरार्की में मूव कर सकती हूँ। लाइक जूम है तो मुझे डॉक्यूमेंट में जाने के लिए मैं अप एरो का यूज़ भी कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे मज़ीद कोई एक फोल्डर ओपन करूँ तो यहाँ पे ये जो आपको बार नज़र आ रही है इसको बोलते हैं एड्रेस बार, तो यहाँ पे ये मुझे शो कर रही है कि अब मैं ऑलरेडी वेबसाइट फोल्डर में मौजूद हूँ जिसमें मेरे पास ये वाली इमेजेस शो हो रही हैं। एंड देन फोल्डर हायरार्की क्या है कि पहले दिस पीसी है, देन उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है फोल्डर, उसके अंदर माई वेबसाइट फोल्डर के अंदर अब मैं वेबसाइट फाइल के अंदर मौजूद हूँ। तो इस तरह आप इस एड्रेस बार का यूज़ करते हुए भी फोल्डर हायरार्की में बैक एंड फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करूँ तो मुझे बैक डॉक्यूमेंट्स में ले जाएगा। तो ये तो मतलब यहाँ से आपका टाइम एक तो सेव होता है, एंड देन यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो पर्टिकुलरली जो भी फाइल या फोल्डर है वो आपकी ड्राइव में या आपके कंप्यूटर में किस लोकेशन पे सेव है। लाइक आप एड्रेस को ट्रैक कर सकते हैं अगर आप एड्रेस बार में इस एरो को यूज़ करें, तो ये आपको आपकी प्रीवियस लोकेशन भी शो कर देता है। देन हमारे पास इस फॉरवर्ड जो हमारे पास अप एरो है सॉरी उसके साथ ये एक एरो शो हो रहा है, तो यहाँ पे इसको क्लिक करने से ये आपको बताता है कि आपकी अभी फोल्डर के अंदर लाइक आप जिस फोल्डर के अंदर अभी मौजूद हैं उसकी रीसेंट लोकेशन क्या है। तो मैं यहाँ पे अभी कौन से फोल्डर में मौजूद हूँ डॉक्यूमेंट्स को, तो उसने उसको टिक मार्क कर दिया है। एंड देन पहले मैंने नेविगेट किस तरह से किया था कि मैं पहले मज़ीद अगर आगे मैं मूव कर रही थी तो वो क्या था कि पहले वेबसाइट था एंड देन माई वेबसाइट एंड देन ऑल, तो ये आपको यहाँ से शो हो जाता है कि आप कहाँ पे अभी किस फोल्डर में अभी आप हैं। देन हमारे पास यहाँ पे इस एड्रेस बार के साथ में एक रिफ्रेश बटन है। लाइक आप जिस भी डॉक्यूमेंट सॉरी आप जिस भी फोल्डर के अंदर मौजूद हैं, मैं अभी डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ, तो आप रिफ्रेश बटन का यूज़ करके उसको कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, आप उस फोल्डर के कंटेंट को रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर आपने कोई चेंजेस किए हैं जो आपको शो नहीं हो रही तो आप रिफ्रेश करके उन चेंजेस को देख सकते हैं। इसके बिल्कुल साथ ही हमारे पास सर्च है। लाइक अब यहाँ पे ये शो कर रहा है कि सर्च डॉक्यूमेंट्स, आप जिस भी फोल्डर के अंदर होंगे वो उसका नाम शो करेगा। लाइक आप इस फोल्डर के अंदर किसी चीज़ को सर्च करना चाह रहे हैं तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको सर्च बटन पे क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं इस फोल्डर के अंदर सर्च करना चाह रही हूँ SQL सर्वर, SQL सर्वर मैनेजमेंट, देन मैं इस एरो को क्लिक करूँगी तो इसने मुझे इस फोल्डर में ढूंढ के दिखा दिया है कि आपके पास
दो फोल्डर हैं SQL सर्वर के और यहाँ पे मुझे ये लोकेशन शो कर रहा है लाइक सी, ये मेरे पास सी डिस्क के अंदर यूजर का फोल्डर है, देन अगेन यूजर का फोल्डर है, उसके बाद वन ड्राइव एंड डॉक्यूमेंट्स एंड देन विजुअल स्टूडियो एंड देन सेटिंग्स। तो उसके अंदर मेरे पास ये प्रॉपर एक लोकेशन भी शो कर रहा है कि आपका फोल्डर इस वक्त कहाँ पे है। तो इस तरह सर्च बार को यूज़ करने से आपका टाइम सेव होता है एंड आप इजीली जिस भी फोल्डर को एक्सेस करना चाहते हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। देन अगर मैं राइट मोस्ट साइड की बात करूँ जो कि यहाँ पे नेविगेशन एरिया शो हो रहा है, या आपको इसको नेविगेशन बार भी बोल सकते हैं, यहाँ पे क्विक एक्सेस के नाम से एक टैब है, अगर आप इस एरो को क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है एंड देन अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये कोलैप्स कर जाता है। तो इसमें क्विक एक्सेस मींस कि आप अभी अभी मतलब आपने किन फोल्डर्स को एक्सेस किया है, या यहाँ पे कुछ चीज़ें पिन अप हो हुई हुई हैं, लाइक आपने जिस चीज़ पे कोई टास्क परफॉर्म किया है तो वो क्विक एक्सेस में उनको शो करना स्टार्ट कर देता है। एंड डेस्कटॉप डाउनलोड्स डॉक्यूमेंट्स एंड पिक्चर्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें पिन अप यहाँ पे की हुई हैं कि जिनको हम फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप कोई शो कोई डॉक्यूमेंट एक्सेस कर रहे हैं तो वो उसको क्विक एक्सेस एरिया में शो कर देता है। देन हमारे पास यहाँ पे दिस पीसी है और दिस पीसी के अंदर मौजूद ऑल फोल्डर्स को ये शो कर रहा है, और दिस पीसी के अंदर अगर आपने मजीद फोल्डर्स बनाए हुए हैं उनके साथ भी ये एरो शो करके उनके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वो आपको ये शो करेगा। तो यहाँ पे अगर हम दिस पीसी को ओपन करें तो दिस पीसी के अंदर ये हमारे पास कंटेंट एरिया है, लाइक मेरे पास यहाँ पे कुछ फोल्डर्स शो हो रहे हैं और यहाँ पे डिवाइस एंड ड्राइव शो हो रही हैं। यहाँ पे अब इस पीसी के अंदर जो मेरी हार्ड डिस्क थी उसकी पार्टीशन इस तरह से हुई हुई है कि मैंने उसको दो डिस्क में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट वन इज़ लोकल डिस्क सी एंड द सेकंड वन इज़ लोकल डिस्क ई। तो ये जो हमारी लोकल डिस्क सी है ये प्राइमरी स्टोरेज के लिए यूज़ होती है, आप कोई भी लाइक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसकी प्राइमरी लोकेशन जो पीसी आपको सजेस्ट करता है या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सजेस्ट करता है वो ये होता है कि आप इसको सी ड्राइव में स्टोर करवा लें। लेकिन अगर आप उसको आपकी पार्टीशन हुई हुई है और आप उसको किसी और डिस्क में स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप ई को भी शो कर सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना हम आगे सीखेंगे कि किस तरह हम खुद से एक लोकेशन दे सकते हैं कि कहाँ पे हम अपना सॉफ्टवेयर स्टोर करना चाहते हैं। देन अगर आप कोई भी ड्राइव एक्सटर्नल ड्राइव अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, लाइक वो पेन ड्राइव हो सकती है या कुछ ऐसी एक्सटर्नल ड्राइव आप अटैच करते हैं तो वो भी आपको इसी एरिया में शो होगी और आप उसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। देन अगर हम यहाँ पे बात करें कि व्यू टैब, तो यहाँ पे व्यू टैब जो है वो यूज़ होता है कि आपके कंप्यूटर में जो भी यहाँ पे इस कंटेंट एरिया के अंदर जो भी आइकन्स शो हो रहे हैं आप उसको किस तरह से लाइक कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, या जो आपको सूटेबल लगता है जिसमें आप इजी फील करते हैं वर्क करना। तो यहाँ पे व्यू टैब के अंदर एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स, लाइक अगर आप ये कंफर्टेबल लगता है तो आप एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स का यूज़ कर सकते हैं। देन लार्ज आइकन्स हैं, अब यहाँ पे ये आपको एक व्यू दिखा रहा है कि आपकी स्क्रीन पे किस तरह से नज़र आएंगे। ऑल्दो मैंने इनको अभी सिलेक्ट नहीं किया, ये कन्वर्ट नहीं हुए एक्स्ट्रा लार्ज आइकन में, लेकिन ये एक व्यू दिखा रहा है तो इसको क्लिक करने से आप इसको ले जा भी सकते हैं। देन दिस वन इज़ लार्ज आइकन्स एंड मीडियम आइकन्स, और इसके अलावा आप यहाँ पे स्मॉल आइकन्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको लिस्ट फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। डिटेल्स में ये आपको फोल्डर के नेम, फोल्डर की टाइप बताएगा एंड देन उसका साइज एंड स्पेस। उसके अलावा कंटेंट फॉर्म में एंड देन टाइल्स फॉर्म में। तो ये तो कुछ था व्यू फोल्डर। देन अगर व्यू फोल्डर के बिल्कुल साथ में आप देखें तो आप इन फोल्डर्स को सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप सॉर्ट बाय पे क्लिक करें तो आप इसको सॉर्ट बाय नेम कर सकते हैं, सॉर्ट बाय टाइप कर सकते हैं, उसके बाद टोटल साइज लाइक। देन अगर यहाँ पे हम कोई भी फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं
देन जो नेक्स्ट टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं वो ये है कि हम किस तरह से एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। लाइक जो पहले हमने फोल्डर क्रिएट किए थे वो डेस्कटॉप पे था, लेकिन अगर हम अब यहाँ पे अगर मैं डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर कोई भी कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहती हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हैं। लाइक यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर को क्लिक करूँ तो भी एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस वन। तो यहाँ पे मैंने फोल्डर क्रिएट किया, अब यहाँ से आप फोल्डर का नेम रख सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं जो कि है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, उसको प्रेस करके आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया है, अब आप इस फोल्डर को किसी और फोल्डर के अंदर कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करने का मेथड क्या है कि आप इस फोल्डर को क्लिक करें एंड देन यहाँ पे होम टैब के अंदर आप कॉपी को क्लिक करें और जिस लोकेशन पे आप इसको लेके जाना चाहते हैं वहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ पे एक डिफरेंस नोट कर लीजिएगा कि आप जो है फोल्डर को कॉपी करने से आपका फोल्डर दोनों लोकेशंस पे होगा। ओके लाइक जहाँ जिस जो भी आपका सोर्स है एंड जो भी डेस्टिनेशन है, सोर्स लाइक जहाँ पे फोल्डर ऑलरेडी मौजूद है और डेस्टिनेशन जहाँ पे आप उसको लेके जाना चाहते हैं, तो आपका फोल्डर दोनों जगहों पे मौजूद रहेगा। अगर मैं डॉक्यूमेंट से इस फोल्डर रयान डिजिटल वर्ल्ड को कॉपी करती हूँ एंड देन पिक्चर्स के अंदर मैं उसको जाके पेस्ट करती हूँ, यहाँ पे अब ये पेस्ट का ऑप्शन इनेबल हो चुका है, तो यहाँ से मैं पेस्ट को यूज़ कर सकती हूँ या मैं शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी का भी यूज़ कर सकती हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं अगर राइट क्लिक करके इस पॉपअप के अंदर पेस्ट को यूज़ करूँ तो वो भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो फोल्डर है रयान डिजिटल वर्ल्ड के नाम से, अब वो पिक्चर के अंदर भी आ चुका है एंड डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी आ चुका है। तो ये तो था किस तरह से आप एक फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं। देन हमारे पास जो सेकंड है वो ये है कि आप एक फोल्डर को कट पेस्ट कर सकते हैं। कट पेस्ट करने का मतलब ये है कि आप उसको उसके सोर्स से हटा देंगे एंड देन वो आपकी सिर्फ डेस्टिनेशन पे रहेगा। लाइक अगर मैं रयान डिजिटल वर्ल्ड को फर्स्ट आई हैव टू डिलीट इट फ्रॉम हेयर बिकॉज यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर फोल्डर को डिलीट करना हो तो आप इस पर राइट क्लिक करके पॉपअप से डिलीट पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अगर आप इसको सेलेक्ट करें यहाँ से आप इस डिलीट बटन का भी यूज़ कर सकते हैं या कीबोर्ड पे आप डिलीट बटन प्रेस करके भी इसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट करती हूँ एंड देन अगर हमने कट वाला ऑप्शन यूज़ करना है, लाइक मैं चाहती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये फोल्डर ना रहे और मैं इसको पिक्चर्स के अंदर मूव करना चाहती हूँ, तो उसका क्या तरीका होगा कि यहाँ से मैं इस फोल्डर को सेलेक्ट करूँगी और होम टैब के अंदर मैं कट का ऑप्शन यूज़ कर सकती हूँ या शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ करते हुए ये फोल्डर यहाँ से कट हो जाएगा। एंड यहाँ या फिर आप पॉपअप मेन्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम पॉपअप और होम टैब के अंदर चीज़ों का यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स जैसे ही प्रेस करूंगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फोल्डर जो है वो अब डिम हो गया है। लाइक यहाँ पे जो भी फोल्डर हम कट के लिए यूज़ करते हैं तो जब हम उसको कट कर लेते हैं तो वो यहाँ पे डिम लाइट में शो होना शुरू हो जाता है। जैसे ही मैं पिक्चर्स पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैं अब दोबारा शॉर्टकट की का ही यूज़ करूंगी जो कि है कंट्रोल प्लस वी। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस वी किया तो फोल्डर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप पॉपअप का भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक पॉपअप का यूज़ करके आप पेस्ट को क्लिक कर सकते हैं। अब मेरा फोल्डर ऑलरेडी पेस्ट हो चुका है, इसकी वजह से ये इनेबल नहीं है। अगर मैं इसको पहले पॉपअप का यूज़ करती तो ये पेस्ट का ऑप्शन इनेबल होता या फिर आप यहाँ से होम में जाके पेस्ट का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगी तो यहाँ से रयान डिजिटल वर्ल्ड फोल्डर जो है कट हो चुका है, लाइक यहाँ पे अब वो मौजूद नहीं है और वो अब पिक्चर्स में आ चुका है। तो ये तो था कि आप किस तरह से फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं एंड देन डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी फोल्डर को रीनेम करना है, लाइक आप उसका नेम चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसका क्या मेथड है कि आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे एंड देन आप उस पर राइट क्लिक करते हुए
यहाँ पे पॉपअप के अंदर आपको रीनेम का ऑप्शन शो होगा, तो यहाँ पे आप इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से फोल्डर का नाम सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा, या इसका दूसरा मेथड ये है कि आप फोल्डर को क्लिक करें और यहाँ से होम मेथड के अंदर इस रीनेम ऑप्शन का यूज करते हुए इसको आप रीनेम कर सकते हैं, या आप F2 की प्रेस करते हुए भी इसको यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट है कि अगर आप कुछ फोल्डर्स या फाइल्स को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के अंदर मूव करना चाहते हैं, अगर वो एक से ज्यादा हैं, तो यहाँ पे क्या मेथड है कि अगर मैं पिक्चर्स के अंदर ये जो चार फोल्डर्स मुझे मेरे हैं इनको मैं मूव करना चाहती हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, फर्स्ट मेथड है कि अगर आप तमाम को मूव करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस ए की प्रेस करेंगे, एंड देन आपको डिपेंड करता है कि आप उनको कट करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं, तो आप सेम वही मेथड यूज़ करेंगे जो हमने एक सिंगल फोल्डर को मूव करने के लिए किया था। तो यहाँ पे पॉपअप पे आप क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे जो भी आपने जिनको मूव करना है उनको आप कंट्रोल प्लस ए वो सिलेक्टेड होने चाहिए, एंड देन आप उनको यहाँ से कॉपी करके उस फोल्डर में ले जा सकते हैं जो कि जहाँ पे आप उसको लेके जाना चाहते हैं। ये तो था कि आप किस तरह से तमाम फोल्डर्स को लेके जा सकते हैं। एक दूसरा मेथड ये है कि आप इन तमाम फोल्डर्स को किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, होम के अंदर आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो उससे भी आपके तमाम फोल्डर सेलेक्ट हो जाएंगे। देन हमारे पास एक सेकेंड मेथड ये है कि अगर लेट सपोज आप इन तमाम फोल्डर्स को मूव नहीं करना चाहते, आप सिर्फ पहले दो फोल्डर्स को मूव करना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है कि आप अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करते हुए उसको ड्रैग करके ले जाएंगे, और यहाँ पे आप पहले दो फोल्डर्स को मूव करना चाहते हैं तो आप इन दो को सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट कर सकते हैं अपनी डेस्टिनेशन फोल्डर में। देन अगर आप इनमें से लाइक कैमरा रोल एंड सेव्ड पिक्चर्स को सिर्फ मूव करना चाहते हैं, लाइक आप इन जो दूसरे दो फोल्डर्स हैं उनको मूव नहीं करना चाहते, तो उसका क्या तरीका है कि आप यहाँ पे की का यूज करेंगे कंट्रोल प्लस क्लिक। तो जैसे ही आप कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे उसके बाद आप जिन फोल्डर्स को सेलेक्ट करेंगे एंड देन कॉपी एंड पेस्ट का ऑप्शन यूज करेंगे या कट एंड पेस्ट का ऑप्शन यूज करेंगे, तो आपके वो सिलेक्टेड फोल्डर्स जो हैं आपकी डेस्टिनेशन फोल्डर्स पे मूव हो जाएंगे। तो ये तो था कि किस तरह से आप फाइल्स एंड फोल्डर्स को मूव कर सकते हैं, और यहाँ पे हम डिलीट की ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर इसी तरह आप एक से ज्यादा फाइल्स एंड फोल्डर्स को डिलीट करना चाहते हैं तो आपके वो फाइल्स एंड फोल्डर्स सिलेक्टेड होने चाहिए, एंड देन आप डिलीट का ऑप्शन होम टैब में से यूज कर सकते हैं या फिर आप डिलीट की का भी यूज कर सकते हैं। और इसी तरह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से आप किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हैं या किसी भी फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं बाय यूजिंग द पॉपअप मेन्यू, और यू कैन यूज द ऑप्शन ऑफ रीनेम फ्रॉम द होम टैब। तो इन फाइल एक्सप्लोरर में आप अपनी इंस्टॉल ड्राइव्स को देख सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि दिस पीसी के अंदर आपकी ड्राइव्स शो हो रही हैं लोकल डिस्क सी एंड ई। ये डिपेंड करता है आपके पीसी पे कि आपकी पार्टीशन किस तरह से हुई हुई है, आपकी डिस्क ज़्यादा भी हो सकती हैं, एंड इसके अलावा आप कोई एक्सटर्नल ड्राइव अटैच करते हैं लाइक पेन ड्राइव या कोई आप डिस्क इंसर्ट करते हैं जैसे कि सीडी और डीवीडी, तो वो भी आप उसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इस कंटेंट एरिया के अंदर डिस्क पीसी में जाके, यहाँ पे डिवाइस एंड ड्राइव में आपको वहाँ पे यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। एंड यहाँ पे जो हमारे पास लोकल डिस्क सी है ये प्राइमरी लोकेशन है टू स्टोर द सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर। तो ये तो था कि आज हमने किस तरह से फोल्डर्स को क्रिएट करना सीखा, होम टैब के बारे में सीखा, लाइक हमने पूरा फाइल एक्सप्लोरर को देखा कि किस तरह से कहाँ पे चीज़ें स्टोर हो रही हैं और किस तरह से आप अपनी फाइल्स एंड फोल्डर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करूँ कि अगर आप अपने कंप्यूटर को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं लाइक एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और उसमें वही वाली रिलेटेड फाइल्स रखते हैं जो उस फोल्डर से रिलेटेड होती हैं, लाइक अगर आप कोई अपने नोट्स रख रहे हैं लाइक मैथ्स के नोट्स रख रहे हैं तो आप एक मैथ्स का फोल्डर बनाएं और उसके अंदर अपने हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो उनकी पिक्चर्स हों, चैप्टर वाइज
देन आप फिजिक्स के रख सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इजी टू एक्सेस होगा, लाइक आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं कि मेरा मैथ्स का फोल्डर है, इसके अंदर चैप्टर वन है, देन उसके अंदर एक्सरसाइज वन है, तो इससे आपका टाइम सेव होगा और आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं और आपके लिए कोई एक्स्ट्रा हेडेक भी नहीं होगी। इसके बरक्स अगर आप चीज़ें इसी तरह से रेंडम रखते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपके फोल्डर का नाम ही बहुत ऐसे बेमकसद सा है, लाइक न्यू फोल्डर है लेकिन वो उसके अंदर कंटेंट जो है वो मैथ्स का है एंड देन फिजिक्स का भी है, तो आपके लिए चीज़ें ढूंढना और उनको मतलब उनका यूजेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इससे आपका एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है। तो आई विल रिकमेंड कि आप अपने कंप्यूटर को एक ऑर्गेनाइज वे में लेके चलें, तो इसके लिए आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा और आपके लिए इजी टू एक्सेस होगा। तो आई होप कि आप ये वाली सारी चीज़ें अपने पीसी के अंदर अप्लाई करेंगे एंड आप जो है अपने पीसी को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज करके रखेंगे और ये तमाम चीज़ें जो आज हमने टास्क परफॉर्म किए हैं उनको प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन खुद परफॉर्म करें ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठें। एंड आज के लिए इतना ही, स्टे कनेक्टेड टू दिस सीरीज एंड सब्सक्राइब टू रियान डिजिटल वर्ल्ड ताकि आप नई आने वाली चीज़ों के बारे में सीख सकें और आपका ये जो लर्निंग फेज है ये कंटिन्यूसली जारी रहे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, अल्लाह हाफिज़। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।